हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू, मेरा नाम है देबो ज्योति और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा न्यूट्रबे गोल्ड वे आइसोलेट के बारे में। इस प्रोडक्ट को किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, इसे अगर आप यूज़ करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसका टेस्ट कैसा है, मिक्सिबिलिटी कैसा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और मैं इस महीने के पहले से ही इसे यूज़ कर रहा हूं, तो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स हॉप इनटू इट। गाइस, आपको शायद पता होगा कि वे प्रोटीन्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं। नंबर वन है वे कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड है वे आइसोलेट जो ये है, एंड थर्ड है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। वे आइसोलेट के अंदर वे कॉन्सेंट्रेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का क्वांटिटी बहुत ही लो रहता है। वैसे तो आइसोलेटेड वे प्रोटीन को सभी लोग यूज कर सकते हैं, अगर आप जिम नहीं भी जाते हो, वर्कआउट नहीं भी करते हो, तब भी आप यूज कर सकते हो। बट स्पेशली जो लोग कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, जिन लोगों ने अपना कार्ब इंटेक बिल्कुल कट कर दिया है, कार्ब इंटेक नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आइसोलेटेड वे प्रोटीन एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर बात हो इस न्यूट्रबे गोल्ड वे आइसोलेट की, तो इसके पर सर्विंग का साइज है 30 ग्राम, जिसमें से आपको मिलेगा 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ओनली 1.7 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 0.4 ग्राम ऑफ फैट एंड उसी के साथ 5.8 ग्राम्स ऑफ BCAA, मतलब ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। और गाइस, ये वे प्रोटीन कंप्लीटली शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, बैंड सब्सटेंस फ्री है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक ब्लेंड दिया गया है। हालांकि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप चिकन, मिल्क, इन सब चीजों को खाकर ऐसे ही डाइजेस्ट कर पाते हो, तो वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको अलग से डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत नहीं है। फिर भी कंपनीज इनके अंदर ऐड करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक ब्लेंड बेटर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए। अभी मैं बात करूंगा इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इंग्रेडिएंट के तौर पर इसके अंदर सबसे पहले एडेड है वे प्रोटीन आइसोलेट, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है। उसी के साथ एडेड है कोकोआ पाउडर, कॉमन सॉल्ट, स्वीटनर, फ्लेवर और एंटी केकिंग एजेंट। अब मैं बात करूंगा इसके टेस्ट और मिक्सिबिलिटी के बारे में। गाइस, तो मिक्सिबिलिटी आपको दिखाने से पहले टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। मैंने इसका रिच चॉकलेट क्रीम फ्लेवर ऑर्डर किया था और ये फ्लेवर काफी अच्छा है। चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल प्रोमिनेंट है और एक अलग ही यूनिक टाइप का टेस्ट है इसका। इसके अंदर कॉमन सॉल्ट एडेड है, वो आपको इसे टेस्ट करते टाइम पता चलेगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सॉल्टी लगेगा। एक यूनिक टाइप का, अलग टाइप का टेस्ट है इसका, जो आप इसे टेस्ट करते टाइम बिल्कुल फील कर पाओगे और ये टेस्ट ना आपको काफी अच्छा भी लगेगा। मुझे अगर इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग रेट करना हो तो मैं इसे आउट ऑफ 5 आंख बंद करके 4.5 दे दूंगा। अभी इसका मिक्सिबिलिटी कैसा है वो आप खुद देख लो। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, इसका मिक्सिबिलिटी काफी अच्छा है। पानी के साथ इसे मिक्स करने के बाद कोई भी लम्स या फिर फोम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से ये पानी में मिक्स हो रहा है। और हाँ, वे प्रोटीन्स को ना दूध के साथ मिलाकर, स्पेशली आइसोलेटेड वे प्रोटीन को दूध के साथ मिलाकर लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप पानी के साथ मिक्स करके कंज्यूम करो, उसी से आपका काम बन जाएगा। और आप पर डे इसका 1 से 2 सर्विंग ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो लाइक मी, तो मैं जैसे 2 सर्विंग लेता हूं पर डे इसका, आप भी 2 सर्विंग लो। और अगर आपका एक्टिविटी लेवल उतना ज्यादा नहीं है, आपका कैलोरी नीड उतना ज्यादा नहीं है, प्रोटीन नीड भी उतना ज्यादा नहीं है, तो आप पर डे इसका 1 सर्विंग भी ले सकते हो, उससे ही आपका काम चल जाएगा। अब अगर बात हो इस वे प्रोटीन के रिजल्ट की, तो मैं ये पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं और फिर से एक बार बोल रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ वे प्रोटीन को खाने से ही आपका बॉडी बन जाएगा, मसल बिल्ड हो जाएगा, तो ये ख्वाब आपका ख्वाब ही रहने वाला है, कभी भी हकीकत नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। गाइस, वे प्रोटीन क्या करता है, आपके बॉडी के डेली प्रोटीन नीड को फुलफिल करने में एक मेजर रोल प्ले करता है और आपके मसल के रिकवरी में हेल्प करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वे प्रोटीन को खाकर ही आप बॉडी बना लोगे, तो फिर आज मैं हल्क की तरह यहाँ पे बैठा होता या फिर जो लोग रेगुलरली वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं ना, सभी लोग हल्क बन जाते, ऐसा कभी नहीं होता है। गाइस, आपको अपना डेली कैलोरी नीड फुलफिल करना होगा, मतलब डेली आपको जितना प्रोटीन, कार्ब्स एंड अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना फुलफिल करना होगा, उतना अच्छे से लेना होगा डेली फूड से, ठीक ठाक वर्कआउट करना होगा। और उसके साथ अगर आप वे प्रोटीन को एकम्पनी करोगे, स्पेशली इस आइसोलेटेड वे प्रोटीन को एकम्पनी करोगे, तब जाकर आपका मसल ग्रोथ बिल्कुल विजिबल होगा और प्रोमिनेंट होगा। और अगर आपका गोल है वेट लॉस या फिर फैट लॉस, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसके पर सर्विंग से आपको मिलेंगे ओनली 113 किलो कैलोरीज। 83% प्रोटीन कंटेंट है इसका, गाइस, जो आपके बॉडी के डेली प्रोटीन नीड को तो फुलफिल नहीं कर देगा, बट उसे फुलफिल करने में एक मेजर रोल जरूर प्ले करेगा। और उसी के साथ आपको
इसके पर सर्विंग से मिलेगा बहुत ही कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट और मिलेगा 5.8 ग्राम्स ऑफ BCAA जो आपके मसल के रिकवरी में एक मेजर रोल प्ले करेगा। सो अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का आइसोलेटेड वे ढूंढ रहे हो ना तो आप इस न्यूट्रोबे गोल्ड वे आइसोलेट को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ गाइस कि आपको रिजल्ट मिलेगा अगर मैंने आपको जैसा बोला वैसा फॉलो करोगे और आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे। मैंने इसका 2 kg का पैक मंगवाया था बट इसका 1 kg का पैक भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। सो गाइस दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई कुड प्रोवाइड यू अबाउट न्यूट्रोबे गोल्ड वे आइसोलेट एंड आई थिंक आई एम कंप्लीटली अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट रिव्यू। सो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए। कुछ भी अगर मैं मिस कर गया हूँ या फिर अगर आपके मन में कुछ भी सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं वहां बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दो और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे अपने भाई को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कीजिए ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिस ना कर जाओ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑल।